हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एसेट विच इज द हाईएस्ट के ए वैल्यू एंड दैट इज लोएस्ट पी के ए वैल्यू। हाईएस्ट के ए वैल्यू मतलब जो सबसे अच्छा एसिड है। बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है, ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके, के ए, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर एन एसिड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके बेटा, पी के ए के। क्लियर, ये हमेशा याद रखना कि अगर आपसे के ए पूछा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, जितना ज़्यादा के ए उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और पी के ए उल्टा होता है। क्लियर, जितना ज़्यादा पी के ए उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन मैंने आपको करना सिखाया हुआ है, ठीक, कैसे सीखते हैं, कैसे किया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, कॉन्जुगेट बेस बना। जैसे आपके पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है ये है, ठीक। अब कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, एच प्लस बाहर निकाल देते हैं। एच प्लस बाहर चला गया तो ओ नेगेटिव बचेगा, तो ये ए वाले कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरीके से बी वाले कंपाउंड का हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ठीक, तो ये बी वाले कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बन गया। इसी तरीके से अभी हम सी वाले कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। जो सी वाला कंपाउंड है उसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। बेसिकली एच प्लस बाहर निकालना है, एच प्लस बाहर निकालने के बाद आपने क्या करना है, वहां नेगेटिव चार्ज लगा देना है। तो ये चार कॉन्जुगेट बेस हैं। अब इनमें से जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक। अब देखो ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया, ओ नेगेटिव, ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया। अब जो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। अब सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ वाला ग्रुप देखो कि उसको स्टेबलाइज कर रहा है या डीस्टेबलाइज कर रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके अंदर सब में है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ में सब में है, तो मैं कार्बोनिल ग्रुप का जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो नहीं देखता, क्यों, क्योंकि वो सब में ही है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा है, CH3 जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। पहले ही भाई इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है, हमारा जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मोर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जो CH3 है ये हमारे कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहे हैं। CCl3 ये कैसा ग्रुप होता है बेटा, माइनस आई। CX3 इज अ माइनस आई ग्रुप, ये मैंने आपको सिखाया है। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसको स्टेबल कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी दी जा रही है। आगे चल के देखते हैं, ये जो ग्रुप है बेटा साइक्लोहेक्सेन, ये प्लस आई ग्रुप है। आयोडीन तो बहुत दूर है, डायरेक्टली तो ये साइक्लोहेक्सीन लगे, दिस इज प्लस आई, फिर से अनस्टेबल कर रहा है। अगेन साइक्लोहेक्सीन प्लस आई ग्रुप फिर से क्या कर रहा है बेटा, अनस्टेबल कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, बी पार्ट। तो बी वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हेंस जो बी वाला एसिड था वो सबसे ज़्यादा एसिडिक था। हाइएस्ट के ए वैल्यू किसकी थी, बी वाले ऑप्शन। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।